क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। विरुद्ध कौमी टेस्ट टीम में मतविका इकार पिछाड़ के नतीजे में साबिक कप्तान सलमान बट और फास्ट बॉलर मोहम्मद आसफ की वापसी के इम्कान रोशन होने लगे हैं। तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ गुज़िश्ता टेस्ट सीरीज में नाकस कारकर्दगी के बाद सजा याफ्ता क्रिकेटर सलमान बट और मोहम्मद आसफ की कौमी स्क्वाड में वापसी के इम्कान रोशन हो गए हैं। व्यूज दोनों क्रिकेटर कायदे आजम ट्रॉफी और देगर डोमेस्टिक इवेंट्स में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें आजमाइश के लिए मैदान में उतारने पर गौर किया जा रहा है। एक हालिया इजलास में इस बात का फैसला हुआ है कि कायदे आजम ट्रॉफी में मुतासर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को टेस्ट स्क्वाड में तरजीह दी जाए, लिहाजा दोनों सजा याफ्ता क्रिकेटर जल्द कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी मुमकिन बना सकते हैं। व्यूज़ वाजह रहे कि कौमी टीम मुख्तसर फार्मेट में तो मुतासर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, ताहम टेस्ट क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस सिलेक्शन कमेटी के लिए तश्वीश का बायस बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।